कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जनता को विश्वास दिलाया कि वह जीती तो पीएम मोदी से जनजातीय क्षेत्र पांगी की चैहनी सुरंग होली उतराला सुरंग के निर्माण का मुद्दा उठाएंगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने शनिवार को भरमौर के 84 परिसर पर माथा टेकने के बाद पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दिवंगत वीरभद्र सिंह को याद कर वह भावुक हो गयी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के पद चिन्ह पर चलकर ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। जनता को विश्वास दिलाया कि वह जीती तो पीएम मोदी से जनजातीय क्षेत्र पांगी की चैहनी सुरंग होली उतराला सुरंग के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। भरमौर के बाद उन्होंने लेह में भी जनसभा को संबोधित किया। आरआईआर टाइम्स वेब टीवी के लिए चंबा से मनीषा ठाकुर की खास रिपोर्ट। गांधी जी से मिलकर अपनी बात करना चाहते हैं तो सारे ट्राइबल एरिया के लोग, वहाँ लाहौल स्पीति के लोग जो हमारे जिला परिषद के मेंबर थे, वहाँ के विधायक थे, उन्होंने आकर मुझे कहा कि आप हमें टाइम लें और हम मिलना चाहते हैं, तो वो मिले। उन्होंने अपनी बात की, अपनी समस्या की और ये कहा कि यह सपना श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था, मैडम हम चाहते हैं ये सुरंग बढ़नी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनसुख मोहन सिंह जी वो भी इस बात को भली भांति जानते थे और उन्होंने कहा कि मैं पहली किस्त इस सुरंग बनाने के लिए 1355 करोड़ रुपए की धनराशि देता हूँ। बाद में उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये पूरी टनल बनाने का खर्चा हम भारत सरकार देंगे। अब आप देखो वो टनल बनकर तैयार हुई और बड़े अफसोस के साथ मुझे